व्हाट्स अप गाइस, वन सेकंड बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो भाई आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ना देखो आप बैक में देख पा रहे हो ये किसका गेम प्ले आप जानते होगे, ये वन एंड ओनली रोक एफएफ का गेम प्ले अपना, ठीक है। तो गाइस ये अपना मतलब इतना अच्छे से मूवमेंट स्पीड कैसे बना लेते हैं भाई, वो इस वीडियो में अपन बात करेंगे, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो वो आप मूवमेंट स्पीड ये तो देखो पीसी में करते हैं, ठीक है, और आप इतना मूवमेंट स्पीड अब मोबाइल में भी कर सकते हो। जैसे ये अब बैक में देख पा रहे हो ये गेम प्ले आर के एफ एफ का है, ठीक है, ए आर के एफ एफ, ठीक है, ये एक मोबाइल का लेजेंड है, ठीक है, मतलब इस टाइप का कुछ मूवमेंट करता है। तो इस टाइप की अपन बात करेंगे, इस टाइप का आप भी कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस बैक में जो बंदा देख पा रहे हो ये मोबाइल के अंदर इतनी अच्छी सी मूवमेंट स्पीड कर रहा है, ये बंदा देखो आर के एफ एफ नाम है, इसका चैनल का भी यही नाम है, तो आप चेकआउट भी कर सकते हो, मोबाइल के अंदर ही खेलता है, ठीक है। तो गाइस देखो ये इतनी अच्छी मूवमेंट स्पीड कैसे कर रहा है, स्पेक्टिंग में इतना अच्छा गेम प्ले दिख रहा है भाई। ये ना देखो ये बंदे क्या करते हैं, जैसे मतलब पूरी स्क्वाड वाइप आउट करते हैं वो, मतलब मूवमेंट दिखा के भाई, वो कैसे कर सकते हो इस वीडियो में मैंने आप पूरा वीडियो में आपको ये बताया है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, दिल से अच्छा लगेगा, वरना चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना, वरना गाइस इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देना। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस आपको पता है मूवमेंट दिखाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, आप ऐसा सोचते हो, और लेकिन ना इस वीडियो में इतनी मतलब सिंपल टिप्स दिखाई है ना मैंने, तो भाई आप बोलो कि भाई इतनी अच्छी तरीके से अपन मूवमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी। तो गाइस फर्स्ट नंबर की स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, देखो इस नंबर वन की स्टेप की बात करेंगे अपन। तो गाइस देख सकते हो बैक में, अगर आपको नंबर वन वाली स्टेप करनी है, नंबर वन क्या ये तीनों स्टेप करनी है, तो आपको ना अपना क्विक स्विच ओपन बटन जो होता है उसको हमेशा के लिए ऑन कर लेना है, ठीक है। अगर आप थ्री फिंगर खेलते हो, टू फिंगर खेलते हो, कैसे भी खेलते हो, तो आप थ्री फिंगर में शिफ्ट हो जाओ, मैं आपको बोलता हूँ, और अगर आप टू फिंगर खेलते हो तो आपको क्विक स्विच ओपन बटन इस जगह रख लेना है, ठीक है, और ना आप थर्ड फिंगर से अभी से ट्राई करना है कि आप थर्ड फिंगर में शिफ्ट हो जाओ धीरे धीरे, ठीक है। तो स्विच ओपन बटन ऐसे कर लेना है, और देखो मैं आपको कुछ बताऊंगा, इस टाइप से आपको तीन बटन का यूज़ करना है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस बैक में देख पा रहे हो इस टाइप का कुछ मूवमेंट आपका भी हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और आप भी 1v4 आसानी से स्क्वाड वाइप आउट कर सकते हो। तो गाइस स्टेप नंबर देखो, इसके अंदर स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा, तो किस टाइप से आपको करना है ये वाली मैं आपको दिखा रहा हूं। वाली मूवमेंट करने के लिए देखो, आपको फर्स्टली अपना ड्रैग करना होगा, ठीक है, सिंपल सा ड्रैग करना होगा, और ना सेकंड में अपना स्विच करना है वेपन, और ना थर्ड में हल्का सा एनालॉग यूज़ करना है, बिल्कुल हल्का सा, और फोर्थ में देखो रनिंग बटन यूज़ कर लेना है, ठीक है। इस टाइप से ना आपका देखो मूवमेंट भी मतलब अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी से आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप पर आपको एनालॉग यूज़ करना है, हल्का सा एनालॉग यूज़ करना है रन से पहले, ठीक है, जिससे ना आपका देखो मूवमेंट भी अच्छा सा दिखेगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस ब्रेक में आपको देखो फर्स्टली सिंपल सा ड्रैग करना है, और ना फिर स्विच करना है अपना वेपन, ठीक है, उसके बाद ना वापस से एक बार और अपना अलग मतलब स्विच करके फायर करना, और ना एनालॉग यूज़ करना है एंड रन कर लेना है, ठीक है, जिससे ना देखो अभी ट्राई करो आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके, यहाँ पर ट्राई करो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अभी से आप इसका ट्राई करना स्टार्ट हो जाओ, अभी से सीखना स्टार्ट हो जाओ, जिससे ना आपको देखो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एंड तक आसानी से सीख जाओगे 2-3 दिनों में, ठीक है। तो गाइस सेकंड नंबर की जो स्टेप है आपको देखो आपको सीखना ही पड़ेगी, वो तो कैसे ना कैसे, उसके बिना ना आपका मूवमेंट देखो बिल्कुल ही खराब है, ठीक है, अगर आप ना कस्टम खेलते हो कुछ भी खेलते हो, लेकिन आपका उसके बिना आपका मूवमेंट बिल्कुल ही खराब है। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ आपके ग्लूवॉल स्टाइल की, आप किस टाइप से ग्लूवॉल लगाते हो, देखो आपको मूवमेंट स्पीड के साथ ग्लूवॉल लगाना है, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस बैक में देख पा रहे हो इस टाइप की कुछ ग्लूवॉल स्पीड आपके मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो अगर आपको देखो लिमिटेड नेमो नो वाले कस्टम में जाना है, उसके बाद देखो सिंपल सा ड्रैग करना है, उसके बाद देखो अपने क्विक स्विच ओपन बटन से जो ग्लूवॉल लास्ट टाइम जो ग्लूवॉल यूज़ किया था उसको स्विच करना है, उसके बाद ना देखो अपना मेन फायर बटन से ग्लूवॉल लगा सकते हो, नहीं तो अभी लेफ्ट फायर बटन से भी लगा सकते हो, मैं आपको स्लो मोशन करके भी दिखा दूंगा अभी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो गाइस आपको ग्लूवॉल इस टाइप का सीखना है, तो देखो आपको सिंपली से अपने ड्रैग बटन को ऊपर ले जाना, फिर ड्रैग डाउन करना है, ठीक है, उसके साथ साथ ग्लूवॉल पकड़ना है, ठीक है, बस इतना करना है, और ना अपना देखो राइट मेन फायर बटन जो होता है उसके उससे आपको ग्लूवॉल लगाना है, ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान में रखना है। और अगर आप चाहो 360 ग्लूवॉल लगाना तो अपना लेफ्ट फायर बटन से ही लगाना, बाकी इस राइट फायर बटन से तो अपना मेन ग्लूवॉल लगाना है आपको, हमेशा ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये करने के बाद अपने देखो ग्लूवॉल लगाया है जैसे ही, और ना उसके लेफ्ट से निकलना, हमेशा ये बात ध्यान में रखना है, राइट से कभी मत निकलना, ठीक है, जैसे ना आपका मूवमेंट देखो राइट से निकलोगे ना तो आपका मूवमेंट सही नहीं होगा, आप लेफ्ट से ही निकलना हमेशा, ठीक है। जैसे बैक वाली क्लिप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ग्लूवॉल लगा के मैं लेफ्ट से निकला हमेशा, मतलब हमेशा मैं लेफ्ट से ही निकलता हूँ, ठीक है, आप लेफ्ट से निकलोगे तो आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा, तो आप लेफ्ट से निकलना अभी से स्टार्ट कर देना, ठीक है, आप ग्लूवॉल भी प्रैक्टिस करो अभी से, और आप जल्दी से जल्दी परफेक्शन लाओ अपने ग्लूवॉल के अंदर, ठीक है। तो इस थर्ड नंबर पर अपन बात करेंगे फ्री स्टाइल मूवमेंट, देखो किस टाइप से करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस थर्ड नंबर की जो स्टेप निकल के आती है भाई, वो हर एक बंदा यूज़ करता है, मतलब ना जो लेजेंड बंदे होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे ना देखो अपना रोक एफ एफ देख लो, वाइट ट्रिपल फोर देख लो, वाइट एफ एफ देख लो भाई, ये तीनों बंदे ना ये यूज़ करते हैं ये वाला ट्रिक, तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम देगा, ये वाला जो देख के गए ना आप इस टाइप, तो भाई बहुत ज़्यादा काम देगा, अब भी आप इसे भी 1v4 क्लच करने में आसानी से यूज़ कर सकते हो, और ना इसका देखो 1v4
एवरीवन में वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखो आप बैग में देख पा रहे हो, इस टाइप का कुछ बोल रहा हूँ मैं। देखो हर एक जोन शॉर्ट सुपर जंप के साथ मारते हैं भाई, क्या ही तो मारते हैं भाई, क्या ही तो लगता है। और ना 1v4 क्लच करते हैं उस टाइम तो क्या ही तो लगता है भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको किस टाइप का लगता है ये शॉर्ट। तो नहीं बताऊंगा, आई एम सॉरी बाबू। भाई अपन बात करेंगे देखो किस टाइप से ये इसका यूज़ करना है, देखो मतलब किस टाइप से मारना है, ठीक है। यूज़ तो क्या होता है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आपको फर्स्टली क्या करना है, देखो तो इस बैग में देख पा रहे हो आप सिंपली खड़े हो, देखो रनिंग करिए, उसके बाद स्विच किया, उसके बाद ना स्विच के साथ जंप लिया, उसके बाद ना फायर कर दिया सीधा, ठीक है। बस आपको उसके बाद देखो जंप करनी है, उसके बाद मतलब देखो स्विच प्लस मतलब जंप प्लस फायर, ठीक है। मतलब प्लस तो ये दो काम करने अपन को, देखो स्विच और अपना जंप बटन, ठीक है, ये दोनों प्लस करने और उसके बाद ना अलग से थर्ड स्टेप में अपन को फायर कर देना है, ठीक है। उसके बाद ना देखो इस टाइप से कुछ रन स्टेप बाय स्टेप करते ही जाना, जिसकी वजह से ना आपका देखो जल्दी से जल्दी सीख जाओगे। तो गाइस फर्स्ट में आपको क्या करना है, स्विच जंप करना है, ठीक है, ये दोनों प्लस में करना है। और ना सेकंड में अपना मतलब फायर करके देखो स्विच प्लस रन करके वहाँ से निकल लेना है, ठीक है। बस इससे ना देखो आपका ये वाला आसानी से आप यूज़ कर सकते हो अपने गेम प्ले के अंदर, ठीक है। ये आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो आपके साथ से ये वाला सीन होने लगेगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप ना देखो एक दो दिन में आसानी से सीख लोगे इसको भाई लोग। ये जो स्टेप सीख गए ना तो आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी ग्रो होने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ना मैं चाहता हूँ कि अपने इंडिया के अंदर से भी ऐसा कोई बंदा निकले जो ना अच्छा से अच्छा गेम प्ले अपने इंडिया कंट्री के लिए प्रेफर करे, ठीक है। तो आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक लाता रहता हूँ मैं इसीलिए, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ना नेक्स्ट टॉपिक मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। और ना वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेलेक्ट कर देना। और ना मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जब तक के लिए टिल टेक केयर एंड गुड बाय। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, ठीक है।